हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। दोस्तों टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक में बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम घर पर ही बीबी क्रीम बनाने का सबसे आसान तरीका देखेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बीबी क्रीम होता क्या है। दोस्तों बीबी क्रीम को ब्यूटी बाम या ब्लेमिश बाम भी कहते हैं, जो कि आपके दाग धब्बों को छुपाने में हेल्प करती है। ये स्किन को पूरी तरह से कवरेज देती है। यह क्रीम स्किन को मॉइस्चराइज करती है। दोस्तों बीबी क्रीम प्राइमर, सनस्क्रीन, स्किन ट्रीटमेंट, कंसीलर और फाउंडेशन का भी काम करती है। और इस क्रीम के अंदर अराउंड SPF 30 तक की सनस्क्रीन भी होती है दोस्तों। और कुछ बीबी क्रीम में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। तो दोस्तों ये तो था कि बीबी क्रीम होती क्या है। दोस्तों इसको कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको ये वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड पर बेल आइकॉन बटन है इसको भी जल्दी से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको बीबी क्रीम बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों बीबी क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें मॉइस्चराइजर लेना है। कोई मॉइस्चराइजर आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बेबी क्रीम ले रही हूँ दोस्तों। ये बढ़िया मॉइस्चराइजर है। क्रीम आप कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप यूज़ करते हैं वो आप बीबी क्रीम बनाने के लिए ले सकते हैं। और जो सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पर है दोस्तों सीरम। हमें इसको बनाने के लिए सीरम की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोस्तों मैंने घर पे सीरम बना रखा है। मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है, प्लीज़ आप उसको चेकआउट कर लीजिए। ये DIY सीरम है। मैं यहाँ पे सीरम का यूज़ करूँगी। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें चाहिए सनस्क्रीन दोस्तों, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें जो होता है SPF 30 तक की सनस्क्रीन होती है। तो दोस्तों हमें इसको बनाने के लिए सनस्क्रीन की ज़रूरत भी पड़ेगी दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लोटस का सनस्क्रीन ले रही हूँ। 3-in-1 मैटी लुक है ये, डेली सनब्लॉक, बहुत बढ़िया सनस्क्रीन है दोस्तों। मैंने काफ़ी टाइम से इसका यूज़ करते हुए आ रही हूँ। मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊँगी दोस्तों इस सनस्क्रीन के ऊपर। ये है PA++++UVA और SPF 40 UVB है दोस्तों, ऑल स्किन टाइप्स के लिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सनस्क्रीन है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है हमें इसमें वो है दोस्तों फाउंडेशन। मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का फाउंडेशन यूज़ करूँगी इसमें। ये सनस्क्रीन प्लस मैटी फिनिश फाउंडेशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कवरेज देता है स्किन को। और हमें चाहिए दोस्तों एक साफ कंटेनर जिसमें हम इसे स्टोर करके रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बीबी क्रीम बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों बीबी क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मॉइस्चराइजर। तो मैं यहाँ पे लगभग 1 चम्मच मॉइस्चराइजर लूँगी। दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने इसमें डाल दिया है। दोस्तों अब मैं इसमें ऐड करूँगी सनस्क्रीन। आधा टीस्पून मैं इसमें सनस्क्रीन ऐड करूँगी। आप कोई सा भी सनस्क्रीन ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो SPF 30 से अबव होना चाहिए दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लोटस का ले रही हूँ। आप जो यूज़ करती हैं आप वो ले सकती हैं। और अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती तो दोस्तों यूज़ करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप लोटस का ही सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, जो भी सनस्क्रीन आप यूज़ करती हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे आधा टीस्पून सनस्क्रीन ऐड कर रही हूँ। दोस्तों देखिए मैंने इसमें ये सनस्क्रीन ऐड कर दिया है। अब हमें इसमें ऐड करना है सीरम। ये मैंने DIY सीरम बना रखा है दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया सीरम है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरी इस सीरम वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कर रखा है दोस्तों। तो अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप ही जल्दी से इसको घर पर बना के इसका यूज़ कीजिए। आपको 1 मंथ के अंदर इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों मैं यहाँ पर आधा टीस्पून ऐड करूँगी इसमें। अब जो लास्ट फाइनल टच देंगे हम उसको दोस्तों वो है फाउंडेशन। दोस्तों ये देखिए मैं 1 टीस्पून इसमें फाउंडेशन ऐड करूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी बीबी क्रीम बनके रेडी है। ये देखिए कुछ सेम वैसे ही कलर आ रखा है जैसे हमें मार्केट से हम बीबी क्रीम खरीदते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसका यूज़ करना है दोस्तों। दोस्तों इसका जो यूज़ होता है फाउंडेशन की जगह पे किया जाता है। इसको लगाने के बाद आप फाउंडेशन लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों इस क्रीम को आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं दोस्तों,
बस इतना सा दोस्तों, इतना सा लेना है आपको ये क्रीम, इतना सा क्रीम आपके चेहरे पे ग्लो लाएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, दोस्तों इसको आपने अपने पूरे फेस पे इस तरीके से स्पॉट करके लगा लेना है। जहाँ जहाँ आपके स्पॉट ज़्यादा हो रखे वहाँ पे, उस एरिया पे ज़्यादा इसको फोकस करके इस तरीके से लगाना है। आप फिंगर टिप की हेल्प से पूरे स्किन पर रब कर लीजिए इसको। दोस्तों यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन में कितना ज़्यादा ग्लो आ गया इसको लगाते ही। दोस्तों कोई कैमरा ट्रिक नहीं है। देखिए मैंने आपके सामने अपने हैंड पे इसको अपने फेस पर अप्लाई किया, जो मैंने अभी बनाया था, और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई हो गई इसको लगा के। दोस्तों और आपको ज़्यादा नहीं लेना, मटर के दाने के बराबर दोस्तों लेना है, और पूरे फेस पे स्पॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है दोस्तों। और जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट, रिंकल्स और डार्क सर्किल की दिक्कत हो रही है, वहाँ वहाँ इसको आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, उतने में आपका काम बन जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीबी क्रीम लंबे समय तक टिकी रहे, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा सेटिंग पाउडर लगा लें दोस्तों, उससे आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि बीबी क्रीम बनाना कितना आसान है, तो आप भी जल्दी से अपने घर पे खुद के लिए बीबी क्रीम तैयार कीजिए दोस्तों। और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलना दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही मैं आपके और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।